शहर में बिना अनुमति सुधीर अग्रवाल ने निकाला रोड शो। रोड शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। माँ पीतम्बरा माई के प्रकटोत्सव पर सीएम शिवराज का ऐलान, दतिया में बनेगा एयरपोर्ट और आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। लखनऊ में सीएम योगी ने हेमवती नंदन बहुगुड़ा को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने स्वतंत्रता सेनानी को किया नमन। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में हुआ G20 समिट 2023 पर संगोष्ठी का आयोजन। पूर्व सचिव राजीव खेर ने कार्यक्रम को किया संबोधित। दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रन से हराया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 144 रन। बिग बॉस फेम प्रियंका चार चौधरी पर लगा चोरी का आरोप, एक्ट्रेस के खिलाफ दर्ज हो सकता है मामला। रामचरण और उपासना के घर आएगी लाडली, अभिनेता ने लेटेस्ट इंटरव्यू में फैंस को दिया हिंट। पहलवानों को मिला किसानों का साथ, सोनीपत से एक जत्था जंतर मंतर के लिए रवाना, सिंघू बॉर्डर की तरह डालेंगे डेरा। आज पीएम मोदी पहुंचे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जहां वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। काठमांडू से दुबई जा रहे विमान के इंजन में लगी आग, बड़ा हादसा होने से डरा, सभी यात्री सुरक्षित।